नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रही थी। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टडी करा रही थी, जहां पे हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अबनॉर्मल वैल्यूज स्टडी की थी। और इन अबनॉर्मल वैल्यूज़ के लिए वांटहाफ ने एक फैक्टर कैलकुलेट किया था, जिसको वांटहाफ फैक्टर कहते हैं। और इसी वांटहाफ फैक्टर का यूज़ करके हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया था, जो लास्ट वीडियो लेक्चर में था। इस वीडियो लेक्चर्स में हम कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और कुछ जो है वो न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके मैक्सिमम जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हम उन न्यूमेरिकल्स को समझते हुए कि आपको क्या दिया गया है और आपको क्या निकालना है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड ईयर का सॉल्यूशन वाला चैप्टर है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्यूशन, यूनिट 5th। ये चैप्टर ऐसा है कि जो आपको बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, इसलिए ये चैप्टर आपको आना बहुत ज़रूरी है। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था दो टाइप के हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सोल्यूट जो है वो अगर इलेक्ट्रोलाइट हुआ तो हमें क्या मिलेगी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यूज़ में चेंजेस होंगे। क्लियर? क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ पार्टिकल, सोल्यूट जो है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे जैसे ही हम उसको डिसोल्व करेंगे। जब ये इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। जब ये इलेक्ट्रोलाइट था तो सोल्यूट जो है वो या तो एसोसिएट हो सकता है या डिसोसिएट हो सकता है। डिसोसिएट में हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट किया था। आज हम ये मान के चलते हैं कि जो सोल्यूट पार्टिकल है वो उसका एसोसिएशन हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल एंड डिग्री कैलकुलेशन ऑफ एसोसिएशन। देखो एसोसिएशन मीन्स सहगुणन होना। बहुत सारे ऐसे कार्बनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि आपस में जैसे ही हम इनको डिसोल्व करते हैं किसी सॉल्वेंट में, ये आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। इनके पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों ने ये कहा था कि एसिटिक एसिड जो है वो नॉर्मली डाइमर फॉर्म में मिलता है। मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में, दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हुए। ऐसे ही जब हम एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, और ये डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे ही हम बात करें कि बेंजोइक एसिड को हम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं तो बेंजोइक एसिड भी एसोसिएट हो जाता है, और इसके भी पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे भी कम हो जाएंगे जैसे ही हम इसको
किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। जैसे बेंजोइक एसिड को जब हम बेंजीन में डिजोल्व करेंगे तो बेंजोइक एसिड एसोसिएट हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, क्लियर। वैसे ही एसिटिक एसिड के भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। और जब हम इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट करेंगे, इस केस में जब हम इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो अलग आएगी, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो अलग होगी। दूसरी बात, इनका जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट है वो, और थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर वेट, थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे आप? आप सीधा सिंपल सा एसिटिक एसिड का एक फॉर्मूला लोगे कि ये फॉर्मूला है CH3COOH, तो आप ये कह देते हो कि है कार्बन, कितने कार्बन, दो जुड़े हुए, 12 कार्बन, एक कार्बन के 12 इंटू 2 प्लस 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन 16 इंटू 2। इससे आप इसका क्या निकाल लेते हो, ये तो है थ्योरेटिकली मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना, और ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट या इमेजिनरी जो हमें दिख रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है वो मॉलिक्यूलर वेट, मीन्स उसमें क्या हो रहा है, उसमें दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो रहे हैं। तो अब जो पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है, दो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट है। तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट, पार्टिकल्स का ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट और थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज हो जाता है। एसोसिएशन में ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, बढ़ गई, क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल्स बड़ा बना, पार्टिकल बड़ा बना, पार्टिकल बड़ा बनेगा तो पार्टिकल का मॉलिक्यूलर वेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में, थ्योरेटिकल के कंपैरिजन में। थ्योरेटिकल मीन्स वो अगर हम उसको डिसोल्व नहीं करेंगे तो वो एक एक पार्टिकल्स की फॉर्म में, एक एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में ही प्रेजेंट होगा। क्लियर यहां तक? अब हम कैलकुलेट करते हैं ये मान के कि देखो, हमने ये माना कि कोई हमारे पास ए सोल्यूट पार्टिकल है, ध्यान से सुनना, कोई ए सोल्यूट पार्टिकल है और इस सोल्यूट पार्टिकल का डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा है। क्या बोला मैंने, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये है अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ये क्या है, अल्फा है। दूसरी बात, पहली बात कि इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या है, अल्फा। दूसरी बात, मान लो हम इसको n, ये जब डिसोल्व करते हैं तो इसके n पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होते हैं। जैसे हम अभी एसिटिक एसिड को क्या कहा था, डाइमर फॉर्म में मिलता है, मीन्स एसिटिक एसिड के कितने पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, दो पार्टिकल्स आपस में मिल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे n पार्टिकल्स आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक पार्टिकल बना रहे हैं, इसको मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, n पार्टिकल्स या n मॉलिक्यूल्स इस सोल्यूट के आपस में जुड़ के एक पार्टिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं जब हम इसको डिसोल्व करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है कि जब हम 1 ग्राम कोई सोल्यूट ले रहे हैं, भाई सारे के सारे तो आपस में नहीं जुड़ेंगे, उसमें से कुछ ऐसे पार्टिकल, जैसे हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कहा था कि सारे के सारे जो हैं पार्टिकल्स वो आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, मीन्स टूटेंगे नहीं पार्टिकल्स, कुछ ऐसे भी होंगे जो नहीं टूटे। तो यहाँ पे भी वही है कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी होंगे जो आपस में एसोसिएट नहीं हुए। तो अल्फा क्या है, अल्फा उन एक पार्टिकल्स में से वो पार्ट है जो कि पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट हो गए। मैंने ये कहा कि जब 1 ग्राम सोल्यूट होगा तो इस 1 ग्राम का अल्फा जो पार्ट है वो क्या होगा, एसोसिएट हो जाएगा, आपस में एसोसिएट हो जाएगा। अब देखो हम रिएक्शन लिखते हैं, एन ए
रिवर्सिबल रिएक्शन होगी ए एन। इनिशियली ए जो था वो 1 ग्राम था इनिशियली, और ये कोई भी एसोसिएट नहीं हुआ, जीरो। इक्विलिब्रियम पे मींस जब हमने इसको डिसोल्व किया और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन क्रिएट हो गई उसकी बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम पे इसके अल्फा पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट होके ए एन पार्टिकल्स बना रहे हैं। देखो आप इसको भी ध्यान से सुनो, तो ये कितने बचे, ये बच गए 1 माइनस अल्फा। भाई ये 1 ग्राम लिए और ये इसमें से अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट हो चुके, अब कितने बचे 1 माइनस अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे रिमेनिंग हुए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होंगे। देखो एन पार्टिकल्स मिलके एक बना रहा है, एन पार्टिकल्स मिलके आपस में एसोसिएट होके एक पार्टिकल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक पार्टिकल्स कितने पार्ट में बनेगा 1/n, और कितने पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं। तो एसोसिएट पार्टिकल्स कितने नंबर में बने, दोनों चीजें अंतर है समझो। ये n तो वो है जो कि n, जैसे मान लो a के n पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए, हम बात करें a के n पार्टिकल्स आपस में जुड़ के क्या बना रहा है, एक पार्टिकल बना रहा है। यदि एक ही पार्टिकल होता तो एसोसिएशन कितनी परसेंट हो जाता, 1/n। एसोसिएशन मीन्स कितने पार्टिकल्स बनते, एसोसिएशन पार्टिकल्स कितने बनते, 1/n पार्टिकल्स बनते। अब हम बात कर रहे हैं कि अल्फा है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, मीन्स अल्फा पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो कितने पार्टिकल्स बनेंगे, एसोसिएट पार्टिकल्स कितने बने, एन कितने हुए 1/n into alpha। क्लियर। तो इक्विलिब्रियम पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा अपॉन एन पार्टिकल्स बचे। तो इक्विलिब्रियम पे उस सॉल्यूशन में कितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचे, ये प्लस में ये। बस इक्विलिब्रियम पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हुए, जितने एसोसिएट हैं प्लस में जितने अनएसोसिएट हैं। अनएसोसिएट पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फा हैं, और एसोसिएट पार्टिकल्स कितने हैं, अल्फा अपॉन एन है। वही बात कि वांटा फैक्टर आयोटा क्या होगा आपका, हमने कैलकुलेट किया था, वांटा फैक्टर आयोटा ये होता है ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन में एक्सपेरिमेंटल अपॉन में थ्योरेटिकल वैल्यू, यही थी। अब थ्योरेटिकल के हिसाब से तो क्या होना चाहिए, जब एक पार्टिकल लिया है तो हमें बाद में भी कितने पार्टिकल्स होंगे, चाहे आप सॉल्यूशन बनाओगे तो भी कितने होने चाहिए, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, जितने हमने उसमें लिए थे उतने ही उसमें बाद में होने चाहिए। थ्योरेटिकल तो यही कहता है कि यदि उसका कुछ भी नहीं होता तो जितने पार्टिकल्स आप उसमें सॉल्वेंट में डाल रहे हो उस सॉल्यूशन में भी उतने ही पार्टिकल होने चाहिए। हम सॉल्वेंट में कितने पार्टिकल डाल रहे हैं, एक पार्टिकल्स, मीन्स थ्योरेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने चाहिए हमारे पास, एक, और एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने निकल के आए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। क्यों निकल के आए, ये एसोसिएट हो चुके थे तो पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया था। आयोटा क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यूज। अब यहां नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आयोटा होगा एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स
अपॉन थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वैल्यूज पुट कर दो, आयोटा की वैल्यू आ जाएगी। आयोटा ये होगा एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 - α प्लस अल्फा अपॉन एन, और थ्योरेटिकली नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 1 डाला था, 1 ही है, 1। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वांटा फैक्टर भी हमें पता है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो निकालो आप अल्फा की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आयोटा, ये इक्वल टू होगा 1 - α प्लस अल्फा अपॉन एन। अल्फा वालों को इस साइड भेज दो और इस आयोटा को इधर ले आओ, क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। इस पूरी वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे भेजूँ तो ये जो माइनस का अल्फा था ये तो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो प्लस का था वो माइनस अल्फा अपॉन एन, ये आ गया 1 - आयोटा। ये यहाँ जाएगा तो ये प्लस का था माइनस में कन्वर्ट हो गया, इस पूरी वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इन दोनों के बीच क्या एलसीएम आ गया, एन एलसीएम आ गया। यहाँ क्या बन जाएगा, एन अल्फा माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 - आयोटा। भाई इन दोनों में मैंने एन अल्फा अल्फा एलसीएम ले लिया, ये क्या बनेगा, एन अल्फा माइनस अल्फा। अब देखो अल्फा कॉमन आ गया तो ये क्या बना, एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू अल्फा। इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा जैसे ही बाहर जाएगा यहाँ पे एन बचेगा और यहाँ पे माइनस 1 बचेगा अपॉन एन इंटू अल्फा, और ये वैल्यू आई है 1 - आयोटा। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, अल्फा की, तो अल्फा के मल्टीपल में जो भी पोर्शन है वो उधर डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एन 1 - आयोटा अपॉन एन माइनस 1। इस वैल्यू का यूज़ करके हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे भी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। देखो पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं पहले आपको न्यूमेरिकल मेंशन करती हूँ। 3.58 ग्राम NaCl को 3.58, मैं शॉर्ट तरीके से लिख रही हूँ, 3.58 ग्राम NaCl को 120 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया, 120 ग्राम वाटर में डिसोल्व किया। क्लियर। और कितने टेम्परेचर पे, 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर है, एट 77 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे इसको डिसोल्व किया। इस सॉल्यूशंस का यदि ऑस्मेटिक प्रेशर 2000 सेमी हो, मीन्स ये ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान रखना, जो हमें दिया है इस सॉल्यूशंस का यदि एक्सपेरिमेंटल ऑस्मेटिक प्रेशर, इसमें मेंशन नहीं है, ये कहा गया कि इस सॉल्यूशंस का यदि ऑस्मेटिक प्रेशर ये 2000 सेमी, अब इसको हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज करना है तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगी, 2000 अपॉन 76 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, भाई इसको तो हमने, क्लियर, ये आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ था, मैंने इसको यहाँ तक इसमें
यदि आपको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जो कैलकुलेट करेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यूनिट भी उसकी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसको यूनिट, सिर्फ यहाँ पे मैंने यूनिट कन्वर्जन किया है, मुझे एक्सपेरिमेंटल ऑस्मेटिक प्रेशर दे दिया, अब ये मेरे से पूछ रहा है तो इस सॉल्यूशंस की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना है। क्या बताना है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो सबसे पहले किससे, अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा मींस हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि अब हम किसका यूज करेंगे, वांटाफ फैक्टर का। वांटाफ फैक्टर आयोटा ये होता है एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थोर्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी दी हुई है हमें, ऑस्मेटिक प्रेशर, और इसकी वैल्यू हमें दे दी। क्या नहीं पता हमें? ये थोर्टिकल ऑस्मेटिक प्रेशर की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें वांटाफ की एक इक्वेशन पता है। वांटाफ की एक इक्वेशन आप यूज करते हो, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। यहां पे ये ऑस्मेटिक प्रेशर, वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अब आते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालें। देखो एन नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालते हैं, ये हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं सोल्यूट के। तो देखो हमें दिया हुआ है सोल्यूट NaCl, सोल्यूट यहां क्या है, NaCl है, ये हमें सोल्यूट दिया हुआ है। इस सोल्यूट का वेट हमें दे दिया, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें NaCl की, तो देखो Na 23 और Cl 35.5, मीन्स ये आ गया हमारे पास 58.5, इसी के पास आएगा 58.5। मॉलिकुलर वेट मिल गया आपको, गिवन वेट मिल गया, मीन्स एन की वैल्यू हमें पता है। आर गैस कांस्टेंट, ये वैल्यू भी हमें पता है, आर गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 0.0821। तो गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी पता है हमें, ये वैल्यू तो मैं यहां लिख रही हूं एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3.58 अपॉन 58.5। आर ये आएगा 0.0821। टी टेम्परेचर, लेकिन कौन सा लेते हैं हम, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन में लेते हैं। ये टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में। यूनिट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यदि यूनिट कन्वर्जन और यूनिट आपने सही से पुट नहीं की तो आपका न्यूमेरिकल गलत होगा, इसलिए यूनिट को भी ध्यान में रखते हुए कि हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं वही यूनिट यहाँ पे हमें मेंशन करना है। देखो 77 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको सेल्सियस में करेंगे तो 273 प्लस करेंगे, 77 प्लस 273 ये आ जाएगा 0.53 केल्विन टेम्परेचर, मीन्स टेम्परेचर भी आ गया। अब वॉल्यूम की बात करें,
वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का वॉल्यूम। अब देखो सॉल्वेंट में तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्राम में, वेट की फॉर्म में दिया हुआ है, मास की फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन हमें इस वाटर की डेंसिटी पता है, वन होती है, तो हम इस डेंसिटी का यूज़ करके इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। वॉल्यूम देखो डेंसिटी होती है आपकी मास अपॉन वॉल्यूम, हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम क्या हुआ, मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी की वैल्यू जो वाटर की होती है वो वन होती है, तो आपका वाटर जो है वो इतने ग्राम, मीन्स अब जो हमें वॉल्यूम मिला वो ml में मिला, ग्राम है तो ml में मिला, तो वॉल्यूम हमारा क्या हो गया, 120 ml। इस ml को हम लीटर में चेंज करेंगे क्योंकि r गैस कांस्टेंट की यूनिट लीटर में है, लीटर, तो वॉल्यूम को भी हम लीटर में चेंज करेंगे। लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 0.120 लीटर। अब देखो आपके पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, किसकी वैल्यू निकालनी है, पाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप बहुत आसानी से कैलकुलेट करोगे, पाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, पाई इज इक्वल टू, ये पाई कौन सा है, ऑब्जर्व्ड थ्योरेटिकली, ये पाई कौन सा है, थ्योरेटिकली, हमने सारी थ्योरेटिकली वैल्यू यूज़ की है, और ये पाई कौन सा दिया था, एक्सपेरिमेंटल से, एक्सपेरिमेंट करके हमारे पास ऑस्मेटिक प्रेशर कितना निकला वो था, क्लियर। अब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँगी, एन की वैल्यू पुट करूँगी 3.58 अपॉन 58.5 इंटू, आर की वैल्यू मैं पुट करूँगी 0.0821, टी की वैल्यू मैं पुट करूँगी 350, और ये वी कहाँ चला जाएगा, इनके अपॉन में, तो अपॉन में इस वी की वैल्यू पुट करूँगी 0.120। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो पाई की वैल्यू निकल के आती है वो लगभग 14 पॉइंट समथिंग आएगी, 64 के आसपास आएगी, ATM 14.64 ATM। यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हम आसानी से वांठा फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो अब आसानी से, आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, तो आयोटा की वैल्यू अब मैं सारा इरेज कर देती हूँ, इस आयोटा की वैल्यू हमारे पास हो गई, ये सब काम हम किसके लिए किया, आयोटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, आयोटा की वैल्यू नहीं थी, आयोटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कितनी है, ये रही 2000 अपॉन 76 में थ्योरेटिकल वैल्यूज ये रही 14.64। अभी इसको ऐसे कैसे रख लो, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयोटा में रिलेशन की। अभी तो हमने आयोटा निकाल लिया, अब हम बात करते हैं क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका यूज करते हुए, वांठा फैक्टर का यूज करते हुए, क्योंकि हमें एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है और हम थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब देखो NaCl कैसे टूटेगा, NaCl किस फॉर्म में टूटा, Na प्लस प्लस में Cl माइनस, ये कहा कि इनिशियली ये वन था, ये जीरो और ये जीरो था, NaCl के अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिसोसिएट हो गए क्योंकि इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा है, तो रिमेनिंग पार्टिकल्स कितने बचे, वन माइनस अल्फा, Na प्लस के पार्टिकल्स कितने बचे, कितने बने, अल्फा बनेंगे, और Cl माइनस के पार्टिकल्स कितने बने, अल्फा बने,
क्लियर। तो इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए एट इक्विलिब्रियम, मीन्स ये हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सॉरी हमारा ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे ये एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आएंगे। तो एट इक्विलिब्रियम एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने आ गए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट, 1 प्लस अल्फा बने। और थ्योरेटिकली होने कितने चाहिए भाई, हमने NaCl का यदि एक ही पार्टिकल लिया है तो वो बाद में भी हमारे पास एक ही पार्टिकल होगा, तो थ्योरेटिकली कितना होगा, 1। अब वही आयोटा क्या होता है आपका, आयोटा एक्सपेरिमेंटल अपॉन थ्योरेटिकल, आयोटा ये इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल क्या है, 1 प्लस अल्फा, ये है 1। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी हमें, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स इस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इससे आयोटा से इसे दूर कर लो, आयोटा आएगा 1 प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फा इधर रखा मैंने, ये आ जाएगा आयोटा माइनस 1, ये इधर जाएगा माइनस का 1 बन जाएगा, आयोटा माइनस 1। अब देखो आयोटा की हमारे पास ये वैल्यू है, हमने कैलकुलेट की थी ये वाली वैल्यू, और इस वैल्यू की जो पूरे आप रख के करोगे तो ये आएगा 0.79, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0.79, और भी आगे कुछ समथिंग आ जाएगी आप कैलकुलेट कर लेना भाई। ये वैल्यू रखोगे तो इस पूरी वैल्यू ये जो आप कैलकुलेट करोगे ये वैल्यू आएगी 1.79, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 0.79, क्योंकि ये रखोगे 1.79 माइनस 1, तो आपके पास क्या बचेगा, 0.79। हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को परसेंटेज में दिखाते हैं, तो मैं इसको क्या करूँगी, 100 से मल्टीप्लाई करूँगी, और जैसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आया, 79% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मीन्स 100 पार्टिकल्स होंगे तो उन पार्टिकल्स में 79 पार्टिकल्स जो हैं वो डिसोसिएट हो जाएंगे। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में भी कुछ न्यूमेरिकल्स पे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।